पार्षद हंसराज सिद्ध की नई पहल। चेयरमैन चौधरी ने कहा, स्वच्छता में हम पीछे। शहर के वार्ड संख्या 24 से पार्षद हंसराज सिद्ध ने बुधवार को अपने निजी खर्चे से नगर पालिका को ट्रैक्टर ट्रॉली सुपुर्द की है। नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, ईओ पार्षद हंसराज सिद्ध ने नगर पालिका के आगे ट्रैक्टर ट्रॉली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रैक्टर ट्रॉली वार्ड संख्या 24 में प्रतिदिन कचरा संग्रहण का कार्य करेगी, साथ ही नियमित रूप से संचालित की जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार जांगीड़, पार्षद हंसराज सिद्ध, पार्षद राजेश कुमार पारीख आदि उपस्थित रहे। राजकरण चौधरी ने अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा, ऊर्जावान पार्षद हंसराज सिद्ध नगर पालिका का गठन होने के बाद से ही कंधे से कंधा मिलाकर सरदार शहर के आम लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं और लगातार सुंदरीकरण के कार्यों में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं इस बार नई पहल करते हुए हंसराज ने अपने निजी खर्च से अपने वार्ड के लोगों के लिए कचरा संग्रहण हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, जो कि वार्ड संख्या 24 में प्रतिदिन कचरा संग्रहण का कार्य करेगी और आम जनता को कचरे से निजात दिलाने की प्राथमिकता रहेगी। ईओ प्रमोद कुमार जांगीर ने कहा, हंसराज द्वारा सफाई व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने निजी खर्च से एक ट्रैक्टर ट्रॉली की आज शुरुआत की है, जो एक अग्रणी पहल है। यूनियन जनता से अपील करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे या कचरा संग्रहण की गाड़ियों में ही कचरा डालने जैसे सरदार शहर का सौंदर्य बना रहे, इधर उधर सड़कों पर कचरा ना डालें। पार्षद हंसराज सिद्ध ने कहा, जब नगर पालिका का गठन हुआ था, नगर पालिका चेयरमैन और सभी पार्षद गणों ने 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी। स्वच्छ सरदार शहर, सुंदर सरदार शहर की एक मुहिम चलाई थी। सुंदर सरदार शहर में हमने कई बड़े विकास कार्य करवाए, जिनमें कच्चा बस स्टैंड मजिस्ट्रेट कोठी से अशोक स्तंभ तक की सुंदर सड़क, बीकानेर बस स्टैंड बाजार में सौंदर्यीकरण का कार्य, हाई मास्क लाइट सहित शहर में कई प्रकार के कार्य हुए हैं। लेकिन मुझे लगा कि स्वच्छता में हम पीछे चल रहे हैं, सफाई व्यवस्था को लेकर हम सभी को आगे आना चाहिए। केवल नगर पालिका और राजकरण चौधरी कुछ नहीं कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था में आम जनता को जागरूक होना बेहद आवश्यक है, तभी हम सरदार शहर स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। जब से नगर पालिका के नए बोर्ड का गठन हुआ था, भाई हंसराज सिद्ध, राजेश जी और हम सभी पार्षदों ने मिलकर एक योजना बनाई थी और उस योजना में शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने का हमने एक संकल्प लिया था और उस संकल्प के आधार पे भाई हंसराज शुरू से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और शहर के सौंदर्यीकरण का जो हमने माहौल बनाया या जो काम किए हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही। स्वच्छता के मामले में हम निश्चित रूप से पीछे हैं और इसका हमने मंथन किया तो एक अग्रणी पहल जो आज तक सरदार शहर में किसी ने नहीं की और किसी पार्षद ने इतनी मत भी नहीं की कि स्वयं का साधन लाकर अपने वार्ड के लिए आज जो ट्रैक्टर चिन्ह लगा के हर एक जो नई पहल की है वो हम सब के लिए, वर्तमान पार्षदों के लिए और भविष्य में आने वाले पार्षदों के लिए अपने वार्ड की और शहर की जिम्मेदारी समझने का हमें एक मौका दिए। और अगर जो सक्षम पार्षद हैं इसी प्रकार अगर 5-7 भी हम आगे आगे ये कार्य करें तो निश्चित रूप से सरदार शहर में सब स्वच्छता में हम सबसे आगे होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस नवाचार के लिए मैं मेरे साथी पार्षद भाई हंसराज सिद्ध का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी पार्षदों से अपील करता हूँ कि प्रत्येक अपने वार्ड की सफाई में, चाहे भामाशाह से लाना पड़े चाहे किसी से लाना पड़े, इस प्रकार की अगर पहल अपने कर लग जाएँ तो नगर पालिका पर आर्थिक बोझ कम होगा और प्लस शहर को सुंदर बनाने में हमारी जो मुहिम है जल्दी उस पर हम विजय पा लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद भाई हंसराज सिद्ध ने आज एक शानदार पहल की है, जिसमें उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्रॉली नगर पालिका के माध्यम से अपने वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए लगाई है, जो एक ही शानदार पहल है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जैसा इन्होंने कहा है कि संबंधित वार्ड के जो रहवासी है उनको इस ट्रैक्टर ट्रॉली में ही कचरा डालना चाहिए, रोड पर कचरा नहीं डालना चाहिए, इससे हम सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रख सकते हैं। और जैसे ये पहल है, इसको देख के मुझे पता है और भी पार्षद प्रेरित होंगे और वो भी आगे आएंगे। और जैसा कि नगर पालिका के कचरा संग्रहण में जो ऑटो टिपर लगाए जा रहे हैं, लोगों को उनमें ही कचरा डालना चाहिए ताकि सरदार शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। धन्यवाद। लगभग 2.25 साल पहले जब नगर पालिका का गठन हुआ था, उस समय चेयरमैन साहब भाई राजेश और अन्य पार्षदों ने हमने सबने मिलकर 100 दिवसीय कार्य योजना बनाई थी, उसके अंतर्गत स्वच्छ सरदार शहर और सुंदर सरदार शहर ये मुहिम चलाई थी। अब सुंदर सरदार शहर के तहत तो नगर पालिका के द्वारा, चाहे कृष्णा बस स्टैंड को देख लीजिए आप या बीकानेर बस स्टैंड को देख लीजिए या मजिस्ट्रेट क्वार्टर से लेकर अशोक स्तंभ तक जो सड़क है, डिवाइडर बने हैं वो देख लीजिए, हाईमास्ट लाइट देख लीजिए, लाइट तो जो लगी हुई है डिवाइडरों पर उस पर तिरंगा
जो लगी है वो लाइटें वो देख लीजिए, करवा पार्क है, ये सड़क चौड़ी करके और ये आवागमन में जो सुविधा की गई है, सब्जी मंडी सड़क चौड़ी करके जो सुविधा की गई है, ये सौंदर्यीकरण के तहत तो नगर पालिका द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं और बहुत से कार्य हाथ में भी ले रखे, आगे प्रोजेक्ट में भी है, उनको भी आगे किया जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक महसूस हुआ कि स्वच्छता में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, सिर्फ नगर पालिका चेयरमैन साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, पार्षद जागरूक नहीं होंगे और हमारी वार्ड की जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक हम स्वच्छता नहीं कर सकते। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता को मैंने जो मेरा बारी वार्ड है उसके अंदर ये स्वच्छता के लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली का संचालन आज श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष राजगण जी चौधरी और ईओ साहब प्रमोद कुमार जी जांगिट द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। और मैं वार्डवासियों से आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूँ कि कचरा अगर एक दिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेट भी हो जाए तो समस्त दासरवासियों से निवेदन है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर लेट भी हो जाए, जो टेम्पो आता है वो लेट भी हो जाए तो गली में कचरा नहीं डालें, अगले दिन अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या टेम्पो जो आता है ऑटो टिपर आता है उसके अंदर ही कचरा डालें। जब तक हम सभी इस को संकल्प के रूप में नहीं लेंगे स्वच्छता को, तब तक अपना सदस्य स्वच्छ नहीं होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से इस अवसर में यही कहना चाहता हूँ कि स्वच्छता को ध्यान दें, सुंदर और स्वच्छ सरदार शहर जो हमारे चेयरमैन साहब का हम सब का सपना है उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अन्य पार्षद करेंगे आपकी पहल का? देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली नया ला के लगाएं, इसके तहत जो नगर पालिका के द्वारा जो ऑटो टिपर संचालित है, ट्रैक्टर ट्रॉली संचालित है, उसके अंदर वार्ड के लोगों को जागरूक करें कि ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर या ऑटो टिपर जो है उसके अंदर कचरा डालें, गली में न डालें, तभी स्वच्छता रह पाएगी।